दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने आधार अपडेट करवाया है, आधार में नेम अपडेट, फादर नेम, कुछ भी अगर आधार में अपडेट या फिर करेक्शन करवाया है, तो आपका आधार कितने दिन में अपडेट होता है, कितना उसमें टाइम लगता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से देख लें। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आधार अपडेट होने के टाइमिंग के बारे में, तो यहाँ पर UIDAI के अनुसार जो आधार अपडेट का मैक्सिमम टाइम है वो है 90 दिन का। 90 दिन के बीच में आपका आधार में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपडेट करवाई हुई हो जाती है अपडेट। और लेकिन दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, अगर नॉर्मली अपडेट होने में 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, 5 से 7 दिन में अधिकतर हो ही जाता है। 5 से 7 दिन के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन आधार में अपडेट नहीं होती है तो आप 90 दिन का इंतज़ार कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। UIDAI के अनुसार यही टाइमिंग है आधार में अपडेट होने की। लेकिन दोस्तों, अधिकतर मैंने देखा है कि जब आधार अपडेट होता है तो उसमें 5 से 6 दिन में ही वो अपडेट हो जाता है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आधार अपडेट हुआ है या नहीं, तो आप डायरेक्टली UIDAI की वेबसाइट से चेक कर सकते हो। अगर आपको चेक करना नहीं याद है, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस तरह रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।